हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे जेंडर के बारे में, आखिर ये जेंडर है क्या, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग जेंडर का रूल देखेंगे, क्या कि जेंडर का रूल क्या होता है, किसके साथ एक जोड़ते हैं, कब वोवेल को हटाते हैं, किसके पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। रूल्स ऑफ जेंडर, जेंडर के रूल के बारे में। पिछला क्लास में हम लोग ने देखे थे क्या कि जेंडर है क्या, जेंडर का देखे थे कि कितने पार्ट में बांटा गया था, उससे भी हम लोग बताए थे कि जेंडर को चार भागों में बांटा गया था। फर्स्ट पार्ट का नाम आपका है, उसका जो पहला जो आपके पास उसका जो पार्ट है वो आपका है मस्कुलिन जेंडर। सेकंड पार्ट आपको बताए थे फेमिनाइन जेंडर। थर्ड पार्ट आपको बताए थे कॉमन जेंडर। अब फोर्थ पार्ट बताया था आपका न्यूट्रल जेंडर। ये तमाम चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो पिछला वीडियो अवश्य देख लें, और इसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कुछ मन में आपके पास जो विचार आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जो आपको मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में, या अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको दोनों के बारे में लिखना है। जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, ताकि इससे और सुधार हो सके। और हम लोग देखेंगे आखिर जेंडर का जो रूल होता है वो होता क्या है इसके बारे में। फर्स्ट जो आपके पास जो रूल दिया गया है उसके पहले बारे में आपका है कि पहला तो आपको याद रखना है कि मस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाने का नियम है, कि कैसे हम लोग मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, उसमें बिल्कुल आपका एक्सचेंज होता है। कई सारे के तो एकदम बिल्कुल एकदम एक्सचेंज होता है, कई सारे के ई डबल ए जोड़कर होता है, कई सारे के आंतरिक परिवर्तन करने के बाद होता है, कई सारे को आपका मेन वर्ड को एक्सचेंज करने से होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग रूल्स ऑफ जेंडर में देखेंगे, ताकि जेंडर का रूल कैसे है, मस्कुलिन से कैसे हम लोग फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। आज देखते हैं फर्स्ट रूल आपका क्या है। जो फर्स्ट रूल आपका बोला क्या है कि अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जिसको मस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, लेकिन उसके अर्थ में बिल्कुल बिल्कुल पूर्णता नए शब्दों का, पूर्णता का मतलब कि इसमें आपको बिल्कुल एक नया शब्द आएगा, उसमें ये नहीं कि बॉय को बॉयस कर देंगे तो लड़कियां हो जाएगा, उसमें बिल्कुल हम एक्सचेंज होता है, एक नए शब्द का प्रयोग होता है इसमें आपका फर्स्ट रूल में। याद क्या रखना है कि अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं जिनके फेमिनाइन रूप में पूर्णता नए शब्द का प्रयोग होता है। पूर्णता नए का मतलब कि जैसे बॉय, तो बॉय मतलब होता है लड़का, तो लड़का को आपको फेमिनाइन बनाना है, यानी कि पुल्लिंग से आप लोग हिंदी में जानते होंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्पेलिंग करने के लिए राजा तो आप लोग बनाते होंगे रानी, है ना, लड़का तो आप लोग बनाते होंगे लड़की, इस तरह से आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आपका ये जो तमाम चीज़ें हैं आपके पास वो मस्कुलिन से आपका फेमिनाइन बनाना है। ये दोनों में आपको जेंडर बनाना है कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वह आपका बॉय, बॉय मीन्स होता है आपका लड़का, इसे बिल्कुल एक नया शब्द आएगा, बॉय मीन्स होता है लड़का, इसका आप लोग हिंदी में जिसको विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, तो बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का को हिंदी में हम लोग कहते हैं लड़की, तो लड़की को आप अंग्रेजी में लिखना आप पर, तो लड़की के यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्ल, गर्ल मिस हो गया लड़की। यहाँ पर देखिएगा आपके पास है फादर, फादर मिस हो गया आपका पिता, तो पिता का आपका पॉजिटिव लिखना, तो पिता का आप यहाँ पर मदर लिख सकते हैं, माता, गर्ल मिस लड़की, मदर मिस माता। आपको अगर हिंदी नहीं आता तो आप बगल में आप जब वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को रोक कर, अगर आपको हिंदी नहीं आया तो वीडियो को रोक कर आप हिंदी अवश्य सीख लें, ताकि आगे आने वाले समय में हम जब कॉपी जब निकालें तो उसमें जब पढ़ें तो आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो कि सर इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। तमाम चीज़ों को हम सभी को जितना आता है अंग्रेजी से हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि सबका हिंदी लगातार बताए, कभी कभी कोई कोई का आपका छूट जाता है, ऐसे तो आपका पूरी तरह से सबका अंग्रेजी उसका हिंदी बिल्कुल बोलते जाते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा आपका किंग, तो किंग मिस होता है आपका राजा, तो राजा का आपका इसका जो फेमिनाइन बनाना है वो होता है आपका क्वीन, क्वीन मिस हो गया आपका रानी। हॉर्स मिस हो गया घोड़ा, तो घोड़ा को आपका फेमिनाइन बनाना है तो होता है मेयर, मेयर मिस आपका हो जाता है घोड़ी, हॉर्स मिस होता है घोड़ा और मेयर मिस हो जाता है घोड़ी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत से इसको लोग जो होते हैं
इसको राम पढ़ते हैं, आर एम, तो बोलते हैं कि राम लिखा है सर, राम, तो लाओ हम लिख देते हैं सीता। ऐसा लिखते हैं तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। राम या किसी का नाम नहीं है। जब भी किसी का नाम लिखा आता है तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल अर्थात बड़ा अक्षर लिखा आता है। अगर आप आर ए एम अगर ऐसे आप लिखते हैं तब ये नाम हुआ किसी खास, तब ये प्रॉपर उनका बोध कराता है किसी खास का। अगर किसी खास का बोध कराएगा तो पहला अच्छा बड़ा लिखाता है तो वह नाम आता है। बहुत लोग राम यहाँ के पास राम ही नहीं लिखा हुआ है, ये आपका रैम लिखा हुआ है, रैम, ये आपका रैम लिखा हुआ है, ये आपका रैम लिखा हुआ होता है आपका भेड़। आर एम है इसको बहुत राम पद रैम होता है, राम इसका होता है भेड़, इस नाम नहीं है भेड़ होता है। और यहाँ पर सीता नहीं करेगा इसका तो राम का ही आपका इसके फेमिनान बनाते हैं ईव, ए डब्ल्यू ए ईव, इसको पढ़ते हैं ईव, ईव मिस होगी आपका भेड़ है तो यहाँ पर आपका हो जाता है भेड़े। देखिए एकदम बिल्कुल एक नया टॉपिक है, बिल्कुल एक आपके लिए एकदम दिस इज द न्यू पॉइंट। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि आखिर इसमें गलती क्या होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो राम है इसको राम ने रैम पढ़ना है, जिसमें से होता आपका भेड़, और रैम का फेमिनान ही बनाना है तो उसका होता है यू, यू में से हो गया आपका भेड़। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इसका फेमिनान क्या होता है। और फर्स्ट आपको ऑप्शन में सीता दिया हुआ रहता है। बहुत से लोग मुस्कुरा कर निकलते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, राम का सीता इतना क्वेश्चन हल्का पूछता है ना, लेकिन सेटर अपना मुख तो थोड़े ना है, वे आपके पास बिल्कुल देता है कि इसमें स्पिन आपने किया आप बिल्कुल बोल्ड हो जाएगा, आपको आउट होना नहीं है। आपको जब फील्ड में आया तो आपको खेल सभी तरीके से सीखना है कि कैसे स्पिन को खेला जाता है, कैसे आपका फास्ट गेंद करता है, तो कैसा उसको सामना करना, आपको दोनों में सामना करना पड़ेगा फास्ट में भी स्पिन में भी, तो आपको इसको बिल्कुल आपको जानना है कि ये क्या है। उसके बाद देखते हैं आपका हैसबैंड, हैसबैंड मिस होता है आपका पति, है ना, तो इसका जो फेमिनान बनाते हैं वो होता है बाय, बाय मिस होगा पत्नी, ये पति पत्नी। कॉक मिस होता है मुर्गा, तो मुर्गा को अगर आप इसको फेमिनान बनाते हैं तो हेन, हेन मिस होगा आपका मुर्गी। देखो ब्राइडग्रूम है, ब्राइडग्रूम मिस होता है आपका दूल्हा, तो दूल्हा के यहाँ पर इसका जो फेमिनान बनता है वह आपका होता है ब्राइड। बस यहाँ पर खाली ग्रूम जो होता है इसको छोड़ दीजिए, आपका बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए ब्राइड है, यहाँ पर ग्रूम है, तो ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, और ब्राइड ग्रूम को खाली ग्रूम हटा दीजिएगा, ब्राइड ग्रूम में से सिर्फ ग्रूम को हटाइएगा तो यहाँ पर ब्राइड बचा हुआ, ये ब्राइड में से हो गया आपका दुल्हन। बहुत लोग होते हैं दुल्हा, तो दुल्हिन, दुल्हिन मत बोलिएगा, उसको होता है दुल्हन, दुल्हिन और दुल्हन, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए यहाँ पर लिखा है हीरो, हीरो मिस होता है आपका नायक, हीरो मिस होता है आपका नायक, तो हीरो के होता है आप लोग बोलवे करते होंगे हीरोइन, हीरोइन, इन हीरोइन मतलब होता है आपका नायक, नायिका या अभिनेता अभिनेत्री, ये भी आपका होता है, तो हीरो को याद रखना है हीरोइन। लेकिन यहाँ पर ब्रदर दिया हुआ, ब्रदर मिस होता है आपका भाई, तो ब्रदर को आप यहाँ ब्रदर को फेमिनाइन आप सिस्टर लिखेगा, सिस्टर मिस आपका क्या हो गया बहन। ये आपका फर्स्ट रूल का है जिसमें आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में। कई ऐसे अंग्रेजी शब्द है जिनका पूरा नए शब्द का प्रयोग होता है इसके बारे में। सेकंड रूल जो हम लोग को आता है, दूसरा का रूल, वो आपका आता है कि कुछ शब्द मतलब पूरा नहीं, आपका कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिसमें केवल ई डबल एस जोड़कर आपका मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिसमें ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है, जैसे कुछ ही ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिएगा आपका गॉड, गॉड मिस होता है यहाँ पर आपका देव, आपका देवता, गॉड मिस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप देवता, गॉड मिस हो गया आपका देवता। तो गॉड के यहाँ पर गॉड में आपको ध्यान है, आपको इसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉड मिस होता है देवता, लेकिन गॉड को जब आप इसको मैस्कुलिन से जब फेमिनाइन बनाते हैं तो इसमें एक और डी आपके आ जाता है और इसमें ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है। तो गॉडेस होता है तो बहुत बोलता है देवता,
देखा बहुत से लोग बोलते था देवती है ना, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग जाता है, देवती नहीं होता है ना, देवता और देवता का ही आपका गॉडेस लिखते हैं, तो गॉडेस मीन्स होता आपका देवी, देवी होता है, देवता बिल्कुल आपका देवती भूल का मत करेगा, ये मूर्खता है ना आपको, वो ये आपका बहुत ही पढ़े भी आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गॉड का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, और फर्स्ट में आपका ऑप्शन रहेगा गॉडेस, आप लोग को तो ध्यान रहता है कि तो इसमें ई डबल एस लगता है, लॉ ई डबल एस मार देते हैं कि बहुत समय डबल आपके जो डी होता है एक और यानी कि जी और डबल डी रहेगा, तो ये बोलता है कि कभी भी डी आ सकता है, आप बिल्कुल इसको छोड़ दीजिएगा, जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है गॉड का, गॉड मीन्स हो गया आपका देवता, और गॉडेस बोलेगा तो देवी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होता है पोएट, पोएट मीन्स होता है आपका कवि, तो पोएट को आप पोएट लिख सकते हैं, कवित्री कवि कवित्री। गैंट होता है, गैंट मीन्स होता है आपका राक्षस, गैंट मीन्स होता है राक्षस, पोएट मतलब होता है आपका लिख, यहाँ पर लिख रहा है कवि है ना, गैंट मतलब होता है राक्षस, तो गैंट यहाँ पर आप गैंटेस कह सकते हैं, खाली गैंट एन है टी है, आप भी इसमें ई डबल एस खाली जोड़ दीजिए, खाली ई डबल एस जोड़ना है गैंटेस है ना, राक्षसी कहते हैं, राक्षसनी नहीं राक्षसी, बहुत बोलते राक्षसनी है तू का है ना, तो राक्षसनी नहीं राक्षसी है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग लायन, लायन में सो गया शेर, और इसी लायन को अगर हम इसमें ई डबल एस जोड़ते हैं तो लायंस मीन्स हो जाता है आपका शेरनी, शेरनी बिल्कुल अब है आपका है ना, ये प्रिस्ट मतलब आपका जान में कहते हैं पुजारी होता है, प्रिस्ट में सबसे क्या चीज होता है पुजारी, लेकिन जैसे उसको मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं ये होता है प्रिस्ट, प्रिस्टेस मतलब कि पुजारिन, प्रिस्टेंस में सबका हो जाता है पुजारिन, देखिए आपका ये बिल्कुल एक नया पॉइंट है ना। ऑथर, ऑथर मीन्स होता है आपका लेखक, ऑथर मीन्स आपका हो गया लेखक, लेकिन जैसे ही ऑथर को फेमिनाइन बनाते हैं तो इसको हम लोग ऑथर, ऑथरेस लिखते हैं, ऑथरेस कभी आपका लेखिका, इसमें मीन्स सोचूगा जब का लेखिका, ये देखिएगा ऑथर मिस हो गया लेखक और ऑथरेस मिस हो गया आपका लेखिका, ये बिल्कुल आपके लिए है ना, जो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बिल्कुल आसान भाषा में आपका समझाया हुआ है ना, आपको बिल्कुल इसको याद रखना कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं, कि आपको इसमें ध्यान देना कि कैसे हम लोग को मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपका, इसके बाद और भी बहुत सारे रूल हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अगेन, ऑल द बेस्ट।